मेरे भाई लोग, कैसे हो यार आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो देखो मित्रों, फ्यूल के टाइम पे इंडिया के अंदर 125 सीसी सेगमेंट को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट चल रही है, क्योंकि आए दिन इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर कोई न कोई नई वाली बाइक लॉन्च होती रहती है, फिर बाइक्स के अंदर काफी सारे नए नए अपडेट्स आते ही रहते हैं। तो देखो, इस क्रेज को बढ़ाने के लिए टीवीएस जल्द ही मार्केट के अंदर अपनी एक नई 125 सीसी की तगड़ी बाइक लॉन्च करने वाला है। वैसे तो टीवीएस के पास ऑलरेडी अपने एक राइडर 125 है। यार देखो, हर एक बाइक के अंदर कोई ना कोई कमी तो जरूर होती है। जैसे कि देखो, टीवीएस राइडर दिखने में और भागने में काफी ज्यादा अच्छी है, पर उसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी ज्यादा कुछ खास नहीं है। तो अगर टीवीएस 125 सीसी के अंदर बाइक लॉन्च करता है तो वो रहेगी अपाचे सीरीज की। मतलब कि आप लोग ये मान के चलो कि 70% चांसेस है कि अपाचे के RTR 125 आएगी, या फिर ये हो सकता है कि टीवीएस अपने राइडर 125 के अंदर कोई नया वाला तगड़ा अपडेट दे दे। खैर, अगर ये बाइक लॉन्च होती तो इस बाइक के अंदर आपको राइडर 125 का इंजन ही मिलने वाला है। यार अपने टीवीएस राइडर का इंजन काफी ज्यादा स्मूथ एंड पावरफुल है। वेल, इस बाइक के अंदर आपको मिलेगी 11 PS के पावर टू 10.5 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क। तो देखो, इस वाली बाइक के फीचर्स एंड इस वाली बाइक की बिल्ड क्वालिटी के बारे में कोई भी लीक्स निकल कर नहीं आई है, पर यार हम लोग अंदाजा तो लगा सकते हैं ना कि आखिर ये वाली बाइक कैसी रहेगी। तो देखो, मैं अगर इन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में बोल रहा हूँ ना, तो मैं कुछ रिसर्च करके ही बोल रहा हूँ। तो अगर कोई भी बंदा आपको ये बोलता है कि इस बाइक के अंदर आपको अमका मिलेगा, फलाना मिलेगा, तो उसकी बात पर यकीन बिल्कुल भी मत करना। इस बाइक के प्राइसिंग के बारे में कोई भी लीक्स निकल कर नहीं है, बट हाँ, टीवीएस का प्रोडक्ट है तो फिर बाइक की प्राइस कम ही रहेगी। अगर लॉन्च डेट की बात करूँ तो यार इस साल के एंड तक ये वाली बाइक इंडिया के अंदर लॉन्च हो सकती है। तो देखो, बाकी फालतू चीजें बताकर मैं आपका टाइम तो बिल्कुल भी नहीं लूंगा। बस आज के वीडियो के लिए इतना ही।